प्रभुपाद की जय वृंदा देवी की जय जय श्री राधे श्याम वृंदा देवी महारानी की श्री वृंदकुंड धाम की श्री गुप्तकुंड धाम की नंदगांव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदाय तुलसी देव्यै
priyayai keshavasya cha Vishnu bhakti prade devi satyavatyai namo namaha. तो आप सबका आज के सुंदर दिवस पर वृंदाकुंड में स्वागत है. थोड़ा सा उसको उधर करो और करो. हाँ बस ठीक है. ये जो स्थान है वो वृंदाकुंड के नाम से जाना जाता है और वो नंदगांव में आता है. नंदगांव क्षेत्र में आता है. अभी हम लोग ब्रज के उत्तर दिशा में आए. देखिए पूर्व किधर है, सामने है. इधर उत्तर दिशा है. तो इधर आगे जाएंगे तो 5 किलोमीटर के बाद में काम्य वन यानी राजस्थान शुरू हो जाएगा. काम्य वन आरंभ हो जाएगा जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का स्थान है भगवान का. और ये नंदगांव जो है ब्रज के उत्तर दिशा में है और उसके पूर्व दिशा में बरसाना है. हम लोग पूर्व से पश्चिम आए, पश्चिम से भी उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं. तो जैसे मैंने कल आपको कुछ परिचय दिया था, आपके सामने वृंदाकुंड है, पीछे अभी गुप्त कुंड है. बहुत खुशी की बात यह है, जो आते ही मुझे पता चली, बहुत खुशी की बात कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान आदित्यनाथ योगी, राइट इज दैट राइट, तो उन्होंने यहाँ पर 3.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं. उसका पूरा अभी जीर्णोद्धार होगा. तो मैं उनसे वही चर्चा कर रहा था कि जैसे रवि रास्ता बन रहा है, वो कितने सालों से रास्ता नहीं बना, इतना महत्वपूर्ण स्थान है, इतना सुंदर बना के रखा है, फिर भी रास्ता नहीं बन रहा है. तो जब राजा जब सही होता है ना तो सब कुछ भगवान के काम सही हो जाते हैं. राजा भ्रष्ट होता है तो सब धर्म के स्थान नष्ट हो जाते हैं. तो राजा सही होने पर फिर धर्म के स्थान जो है पुनर्प्रस्थापित हो जाते हैं. और शासन जो कुछ कर सकता है ना वो कोई भी स्वयं से भी संस्था नहीं कर सकती है. करते हैं थोड़ा बोटा, लेकिन शासन के अंदर बहुत शक्ति होती है. शासन अगर सही जगह पर सही व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है तो धर्म की वृद्धि होती है. तो राजा धर्मशील होगा तो प्रजा के धर्म की वृद्धि होती है, धर्म के स्थानों की वृद्धि विकास होता है. तो ऐसे राजा के हम ऋणी हैं, क्योंकि अगर ये स्थान लुप्त हो जाएंगे सब तो हम क्या बताएंगे. वो इतना ही बताएंगे कि यहाँ पर ये हुआ करता था, अभी यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है प्लॉट बनकर. तो या तो कोई राजा सक्षम धर्मशील या तो कोई शक्तिशाली संत होना चाहिए. इनकी कृपा से फिर ये धाम उनका विकास और उनको बनाए रखना चलते रहता है. और एक खुशी की खबर ये है कि ब्रज के विकास के लिए 14,000 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए और उसकी एक विशेष कमेटी बनाई गई है, वो उसको सबको देखती है क्या किधर. और आपको सुनकर भी दुख होगा कैसे कई पवित्र स्थान हैं जो लोगों ने कब्जा करके रखा है और अपना घर अपना खेती वोती सब करते रहते हैं उसके अंदर. राधा रानी आप मंदिर में गए होंगे ना, राधा रानी का मंदिर के पीछे ना कई सैकड़ों एकड़ जगह राधा रानी की है, जहाँ पर राधा रानी के लिए जो अनाज होता है उसका बिक्री करके मंदिर का खर्च चलता है. राजा रानी के लिए फल फूल का बगीचा है, कृष्ण बाग राधा बाग, वहाँ पर के जो फल आते हैं वो फूल आते हैं वो केवल राधा रानी को पहुँचते हैं. बाकी आप जितनी माला चढ़ाएंगे ना वो ऐसे चौखट पे चढ़ाते हैं और आपको वापस दे देते हैं. लेकिन राधा कृष्ण बाग की जो मालाएँ हैं फूल की वो उनके शरीर पर चढ़ती हैं. तो वो एक ठीक है क्योंकि बढ़िया से उसको बना के रखा है. हमारी प्रार्थना और हमारी यही है भगवान के चरणों में कि थोड़ा बहुत जो भी हमसे बने वो हम करें और बाकी इच्छा यही कि आगे की पीढ़ी जब दर्शन करने आएगी तो उनको भी कुछ दिखना चाहिए ना यहाँ पर, नहीं तो क्या देखेंगे कुछ. उसका जब तक कथा करेंगे और जब तक कथा के बाद में वो स्थान ने दर्शन करेंगे तो फिर उसका श्रद्धा कैसे पैदा होगी आपको, केवल किताबों में रहेगा उसका क्या होगा. तो इसलिए बज्रनाभ जो थे ना उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है. बज्रनाभ के बाद में नारायण भट्ट गोस्वामी और गौड़ीय संप्रदाय के 6-8 गोस्वामियों ने मिलकर जो कार्य किया वो बहुत महत्वपूर्ण है. और अभी भी बहुत सारे देखो संतों के और भक्तों की कृपा के बिना धाम रह नहीं सकता है.
तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जन जागृति, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए ये क्या है, क्या वृंदाकुंड पता ही नहीं तो फिर क्यों यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए। तो पहले ध्यान ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसकी महिमा प्राप्त होनी चाहिए, उसके बाद प्रेरणा होनी चाहिए, और प्रेरणा के साथ में फिर उसका बाद में उद्धार होगा स्थानों का। इतनी आश्चर्य की बात है, मैं हमारे पास हॉस्पिटल में बरसाने में सब ब्रजवासी स्टाफ है बहुत सारे, तो बहुत सारे छाता के हैं छत्रबंद, तो मैंने उनको खाली इतना ही बताया, आपको खाली मैं एक ही होमवर्क देता हूँ, आप खाली छाता की कहानी सुना मुझे पता करके बताना बस, क्या कहें आपको, हाँ 6 महीना हो गए, 1 साल हो गया, कोई बता ही नहीं पाया। हाँ तो 2 भक्त लगे हुए थे एकदम, मतलब हर बार पूछा था तो क्या हुआ, तो नहीं प्रभु जी अभी पता कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने माताओं को पूछा, पिताजियों को पूछा, चाचाओं को पूछा, दादाओं को पूछा, नानाओं को पूछा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को भी पूछा, और कि सब लोग उधर छाता में रहते हैं लेकिन किसी को छत्रवन की कहानी पता नहीं है, छत्रवन ये नाम भी पता नहीं है उसका। तो फिर वो एक दिन आ गए, प्रभु जी हम हार गए, अभी हम बता आप बता देना। तो ये स्थिति है, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, एपैथी, एपैथी मतलब उदासीनता, नो इंटरेस्ट, नो श्रद्धा, नो इंटरेस्ट, कोई केवल खाली पेट भरने के लिए इंटरेस्ट है, बाकी किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने फिर उनको बताया छत्रवन की कहानी, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि मैंने तो दुकान तो खोल देना छत्रवन का, तो बंद कैसे करूँ बिना बताए। तो छत्रवन में उसका नाम छाता है अभी आज की तारीख में, और छत्रवन शास्त्रीय नाम है उसका। तो वहाँ पर एक दिन ग्वाल बालों ने कृष्ण को लाया और कहते तुम्हारा राजा है, यू आर आवर किंग, वैसे पत्थर वत्थर लगा के सिंहासन बना दिया, उसको बता दिया, उसको छत्र धारण कराया है ना, और कृष्ण को राजा घोषित कर दिया, और अपने में से ही किसी को मंत्री प्रधानमंत्री सब बना दिया, और दरबार बैठ के उनका चालू हो गया राज दरबार। उतने में राजा रानी को सखियों को खबर मिली कि कृष्ण को वहाँ पर राजा बना दिया है, तो उन्होंने राधा रानी को एक जगह बिठाया और उनको बिठा कर छत्र छत्र बनाकर वृंदावन रानी के रूप में घोषित कर दिया, उनके मंत्रीगण बने। तो पहला निर्णय क्या लिया गया कि एक चोर राजा वहां पर बैठा है, उसको पहले पकड़ के लेके आओ, उसको दंड देंगे। हाँ हमारी रानी होते हुए और कोई राजा कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो ललिता विशाखा डंडा वंडा लेके गई है ना, डंडा पीछे है। तो ललिता विशाखा सब लोग वहां पहुंचे हैं, और तभी इनका दरबार भी जोरदार था, तो ये ऐसे दरबार में घुसे और उन्होंने ऐसे झपट के कृष्ण को अरेस्ट किया और उसको बंदी बना कर रहा, और बाकी की जो चेले पेले थे ना चेले चपाटे उनको भी अरेस्ट किया, और सबको लेके राधा रानी के दरबार में आ गए, और बोलो कौन राजा है। तो सब लोग ने दंडवत प्रणाम किया राधा रानी को कि आप ही रानी है, बोला ठीक है गुनहगार को माफ कर लो। ये छत्रवन की कहानी है। तो अभी है ना, वो जो कुछ कुछ ब्रजवासी है ना, वो भी सभी मेरी यात्रा में आते हैं और नोट्स बनाते हैं। और वो भी मुझे बता रहे थे इस बार आए तभी कि अभी जब गेस्ट आते हैं ना, कोई डोनर आते हैं, तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनको कथा बताते हैं। ये धाम की कथा है ना, अनंत कथा है। यहाँ पर ऐसा मत समझना कि मुझे सब पता है, मैं भी अभी ढूंढ रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, लेकिन समझो लोगों को पता ही नहीं रहेगा, यहाँ पर रहने वालों को तो कौन बताएगा उनको, हम तो बाहर से आते हैं, जो रह रहे हैं उनको अगर बताया जाए तो वो महिमा बताएंगे ना। अभी समझो वो एक दादा की पीढ़ी को पता नहीं है, तो पिता की पीढ़ी को ऐसे मालूम पड़ेगा, और पिता के बाद पोता लोग तो खाली हाफ पैंट और मोबाइल लेके घूमेंगे, उनको क्या पता है, नथिंग। जींस पैंट पहनेंगे, टाइट्स पहनेंगे, हाँ बाल छोड़ेंगे, घूमेंगे रास्ता में अमेरिकन बनकर, धाम का क्या होगा, धाम लुप्त हो जाएगा। धाम का एक सीधा सीधा हिसाब है, धाम में उसकी जानकारी के साथ जो भजन नहीं करेगा उसके लिए धाम लुप्त हो जाएगा, वेरी सिंपल। जिसको उसका महिमा पता है, महत्व पता है और उसकी वैल्यू भी है, श्रद्धा है, उनके लिए धाम प्रकट होता रहेगा, और अधिकतर लोग अगर अश्रद्धालु होंगे तो धाम उनके लिए अप्रकट हो जाएगा, फिर वहाँ पर भैंस का दुकान मतलब वो तबेला बन जाएगा, फिर घर बन जाएगा, कोठी बन जाएगी, और सब धाम लुप्त हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है, हमको केवल आके दर्शन नहीं करना है, ये भी जानना है कि कैसे उनको संवारें, कैसे वो जागृति बने रखे। अगर हम आपको यहाँ नहीं लेके आते तो आपको कैसे पता चलता है वृंदाकुंड क्या होता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि आप अभी
आ रहे हो, हर बार आते रहो, क्योंकि हर बार हम नई नई जगह लेके जाते हैं। अभी काम में बंद बाकी है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये नंदगांव का एक विशिष्ट जगह है जहाँ पर वृंदा रानी जो है वो अपना कार्यभार संभालती है यहाँ पर। और कल मैं पढ़ा कि वृंदा देवी ने भी रोज़ यहाँ पर इसमें स्नान करती है। वृंदा देवी, राधा कृष्ण तो विराग विहार करते ही हैं, लेकिन वृंदा देवी भी इसमें स्नान करती है। इसकी और एक सुंदर विशेषता है, इसमें इस जगह पर बहुत सुंदर पक्षी आते हैं, बहुत सुंदर। आप कभी एकांत में आएंगे ना, आपको केवल बैठ के सुनना है बस। अभी भी आप जरा आँख बंद करो, सुनो। कैसा है ना, अपना शोर जब बंद होगा तो ही सुनाई पड़ेगा ये, है ना। अपना शोर चलता रहेगा, चल 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 चलता रहेगा, या अंदर में और अंदर भी थोड़ा शोर रहेगा, तो ये सुंदर जो संगीत है वो कैसे सुनाई पड़ेगा। एक बार और करते हैं, तो सब पक्षी क्या बोल रहे हैं, राधे राधे, श्याम श्याम, सब गुणगान कर रहे हैं यहाँ पर केवल मनुष्य जो है ना वो बकवास करते रहता है, बाकी सारे जीव यहाँ पर राधा रानी का, कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं, हर जीव। मनुष्य है ना ज़्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति है, इसलिए प्रजल्प करने में एक्सपर्ट हो जाता है वो। तो ये जो वृंदा देवी, इनका मूल स्थान, रहने का स्थान